गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू फाइन एंड सेफ। माई सेल्फ योर मैथ टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अ मैथ सब्जेक्ट। इन मैथ सब्जेक्ट आई विल टीच यू न्यू लेसन। न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ चीज आपसे बताना चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि लेसन 1, 2, 3, 4, 6 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को उसको डे टू डे रिवाइज करना है। रिवाइज करने से ये होगा कि आप लोग उसको भूलेंगे नहीं। ओके बच्चों, और जितनी भी न्यू वीडियोस जाती हैं बच्चों, उसको देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम, क्लास, सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम आप लोग को कौन सा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम आप लोग को कौन सा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं? लेसन 7 मनी। आप लोग पेज नंबर 101 ओपन करके बैठिए, उसमें लेसन 7 मनी दिया है। उसके बारे में पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे और क्लास वर्क करेंगे। ओके बच्चों, तो पेज नंबर 101 सब लोग ने ओपन कर लिया, वेरी गुड। तो ये देखिए लेसन 7 मनी। या तो मनी किस किस फॉर्म में यूज होता है बच्चों? यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना है ना, उसमें क्या क्या लिखा है? कॉइन्स, नोट्स, रुपीस, पैसे। समझ में आया? मनी इन चारों फॉर्म में यूज होता है, और मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसा बोलते हैं और रुपीस बोलते हैं। समझ में आया? चलिए मनी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा है वी यूज मनी टू बाय थिंग्स। हम लोग मनी का क्यों इस्तेमाल करते हैं? पैसा और रुपीस का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई भी चीज खरीदने के लिए। समझ में आया? मनी इन आवर कंट्री इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीस एंड पैसा। हम लोग की कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। तो हम लोग के कंट्री में मनी किस किस फॉर्म में यूज होता है बच्चों? रुपीस एंड पैसे में, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया है। ओके, रुपीस आर अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। रुपीस किस चीज में बच्चों अवेलेबल होता है हम लोग के इंडिया में? रुपीस हम लोग के इंडिया में दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक नोट्स में, एक कॉइन्स में। समझ में आया? बट पैसे आर अवेलेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। बट पैसा जो होता है वो खाली कॉइन्स में अवेलेबल होता है। ओके बच्चों, तो चलिए मैं आप लोग को कुछ चीजें दिखाती हूँ, जैसे कि आप लोग की बुक में यहाँ पे बना है। ये देखिए आप लोग की बुक में, सब लोग ने अपनी बुक ओपन की है ना। सबसे पहले क्या लिखा है? कॉइन्स इन यूज। अभी कौन कौन से कॉइन्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया है। समझ में आया? जैसे 50 पैसे कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन। आप लोग ने देखा होगा कि पहले 50 पैसा चलता था, बट अभी वो बंद हो गया है। बट 1 रुपए तो चलता है ना, चलता है ना। वो किस फॉर्म में आता है? वो कॉइन फॉर्म में आता है। मैंने अभी आप लोग को बताया है ना, पैसा जो होता है वो हमेशा कॉइन फॉर्म में आता है। ओके, 2 रुपए का बुड्ढा आप लोग ने देखा है ना, हाँ, तो वो कौन से फॉर्म में आता है? वो कॉइन फॉर्म में आता है। 3 रुपए का बुड्ढा होता है? नहीं होता है ना। 4 रुपए का बुड्ढा होता है? नहीं होता है। 5 रुपए का बुड्ढा होता है? 5 रुपए का बुड्ढा किस में आता है बच्चों? कॉइन में आता है। समझ में आया? इसको फॉर्म बोलते हैं बच्चों, कॉइन्स फॉर्म बोलते हैं। समझ में आया? और उसके नीचे क्या दिया है बच्चों? उसके नीचे दिया है नोट्स इन यूज। कौन कौन सी नोट्स यूज की जाती है अभी? जैसे 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट भी जो होता है वो नोट और कॉइन दोनों में यूज किया जाता है। बट जो पैसा होता है वो खाली कॉइन फॉर्म में होता है। समझ में आया? जब आप लोग देखेंगे 50 पैसा, 10 पैसा, ये सब क्या होता है? कॉइन फॉर्म में आता है, मतलब कॉइन में आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना है ना बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? एक सिंबल बना है। ओके, तो मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बनाया है। देखिए बच्चों, ये क्या है? रुपीस का सिंबल है। क्या है? रुपीस और रुपी का सिंबल है। जैसे इसको कैसे बनाते हैं बच्चों? इसको ऐसे करके ऐसे 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 बनाते हैं। समझ में आया है कि क्या है? रुपी और रुपीस का सिंबल है। पहले कैसे होता था बच्चों? पहले इस तरीके लिखा जाता था, है ना, पहले इस तरीके लिखा जाता था। बट अब किस तरीके लिखा जाता है? इस तरीके लिखा जाता है। समझ में आया? जहाँ पे ये बना रहेगा वहां पे आप लोग समझ जाइएगा कि रुपी या रुपीज है। समझ में आया? एक चीज
आप लोग को ये बताना चाहते हैं बच्चों, 1 रुपीज में कितना पैसा होता है, 1 रुपीज को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है, 1 रुपीज को कंप्लीट करने के लिए बच्चों 100 पैसे की जरूरत होती है। समझ में आया? जब आप लोग 100 पैसा कंप्लीट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 रुपी कॉइन बन जाएगा। समझ में आया? 100 पैसा होता है 1 रुपी कॉइन में, तो 200 पैसा कितने रुपी कॉइन में होगा, 202 रुपए में होगा। समझ में आया? 3 रुपए में कितना होगा बच्चों, 3 रुपए में कितना पैसा होगा, 3 रुपए में 300 पैसा होगा। 4 रुपीज में कितना होगा बच्चों, 4 रुपीज में 400 पैसा होगा। समझ में आया? इसी तरीके से होता है मनी। चलिए अब बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों 2 रुपीज, यहाँ पे ले लिया है ना। अब यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें कितने पैसे हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपए में कितना पैसा होगा बच्चों? वेरी गुड, 2 रुपए में 200 पैसा होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? वेरी गुड। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ले लिया 4 रुपीज। अब 4 रुपीज में कितना पैसा होगा? अगर 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 4 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 रुपए को कितने बार ऐड करना है? 100, 100, 100, 100, 4 बार ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 400 पैसा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 400। आ रहा है ना आप लोग को समझ में? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 600 पैसा, तो यहाँ पे कितना रुपीज होगा? अब यहाँ पे आप लोग को रुपीज बताना है कि कितने रुपीज होंगे। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 2 रुपए में 200 पैसा, 3 रुपए में 300 पैसा, 4 रुपए में 400 पैसा, 5 रुपए में 500 पैसा, 6 रुपए में 600 पैसा। तो वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फिल करना है? 600 पैसे में कितना रुपीज होता है? वेरी गुड, 6 रुपीज होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को रुपीज और पैसे में अंतर? वेरी गुड। अब जैसे मैंने यहाँ ले लिया 900 पैसा, अब इसको आप लोग को रुपीज में चेंज करना है, तो 900 में कितने रुपीज होते हैं? वेरी गुड, 900 में 9 रुपीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। समझ में आया? और एक चीज आप लोग को ये बताना चाहते हैं बच्चों, रुपीज का साइन ये होता है, पैसे का साइन पी होता है। समझ में आया? रुपीज में इस तरीके से लिखा जाता है, ये सिंबल होता है, और पैसे का साइन पी होता है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्लास वर्क क्या है। जो मैंने अभी आप लोग को टॉपिक पढ़ाया है उसी टॉपिक पे मैं आज आप लोग को क्लास वर्क कराऊंगी। ओके बच्चों, तो आज आप लोग का क्लास वर्क क्या है बच्चों? आज आप लोग का क्लास वर्क ये है, सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी मेंशन करना है क्लास वर्क, फिर डालना है लेसन 7 मनी, फिर हेडिंग डालना है फिल इन द बॉक्सेस, फिर आप लोग को डेट डालना है 18/8/2020। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद आप लोग को सॉल्व करना है, और सारे बच्चों की राइटिंग क्या होगी? एकदम गुड होगी। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज के क्लास वर्क को। तो क्लास वर्क का नाम क्या बच्चों? फिल इन द बॉक्सेस। इस तरीके से आप लोग को बॉक्स दिया रहेगा, उसको आप लोग को क्या करना है? फिल करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 200 पैसा इज इक्वल टू रुपीज का साइन बना, एक बॉक्स बना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 200 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 200 रुपए में कितना पैसा होगा? वेरी गुड, 200 रुपए में 2 रुपए होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 2 रुपीज। समझ में आया? रुपीज का साइन बना है, सिर्फ यहाँ आप लोग को गिनती लिखना है। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना रुपए है? 2 रुपए है। समझ में आया? इसको और क्या बोलते हैं? 2 रुपीज। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? 500 पैसा इज इक्वल टू रुपीज का साइन बना, एक बॉक्स बना है। पूछ रहा है कि 500 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसा, 2 रुपए में 200, 3 रुपए में 300, 4 रुपए में 400, 5 रुपए में 500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 5 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ओनली 5। आ रहा है ना अब आप लोग को समझ में? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? 450 पैसा इज इक्वल टू
रुपीस बॉक्स बना एंड एक बॉक्स बना। अब बोल रहा है यहाँ पे 450 मतलब 450 पैसे में कितने रुपीस होते हैं? एक रुपए में 100 पैसा, दो रुपए में 200 पैसा, तीन रुपए में 300 पैसा, चार रुपए में 400 पैसा। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, 450 पैसा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना रुपए है यहाँ पे, यहाँ पे है 4 रुपीज। तो यहाँ पे पहले 4 रुपीज लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 50 बच रहा है, तो 50 हम लोग क्या कर देंगे, अलग से लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओनली 50। तो ये क्या हो गया बच्चों, 4 रुपीज 50 पैसा। समझ में आया आप लोग को? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 रुपीज 2 रुपीज 4 रुपीज। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे पूछ रहा है इन तीनों को ऐड करने पे कितना रुपीज आएगा। चलिए इसको ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है, 2 है, 1 2। यहाँ पे कितना है, 4 है, 1 2 3 4। अब इन चारों को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितना रुपीज आ रहा है बच्चों, वेरी गुड, 10 रुपीज आ रहा है। वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ रहा है ना रुपीज और पैसे में अंतर क्या होता है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ₹3 कितना है, 3 रुपीज है। अब यहाँ पे आप लोग को किसमें चेंज करना है, पैसे में चेंज करना है। एक रुपए में 100 पैसे होते थे, दो रुपए में 200 पैसे, तीन रुपए में कितना पैसा हो जाएगा बच्चों, 3 रुपए में, वेरी गुड, 300 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 300। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ₹7 और यहाँ पे किस में चेंज करना है, पैसे में चेंज करना है। तो 7 रुपीज में कितना पैसा होता है, 1 रुपए में 100 पैसा, 2 रुपए में 200, 3 रुपए में 300, 4 रुपए में 400, 5 रुपए में 500, 6 रुपए में 600, 7 रुपए में 700। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 700 को क्या बोलते हैं बच्चों, 700। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 700। अब आप लोग को समझ में आया, चलिए बढ़ते हैं आज के होमवर्क पे, देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। ओके, आज आप लोग का होमवर्क क्या है बच्चों, आज आप लोग का होमवर्क है ये, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को कौन सा लेसन पढ़ाया, आज मैंने आप लोग को लेसन 7 पढ़ाया है। लेसन 7 का क्या नाम है, लेसन 7 का नाम है मनी। मनी में मैंने आप लोग को बहुत सी चीजें पढ़ाई है, उसी टॉपिक पे मैंने आप लोग को क्लास वर्क कराया, उसी टॉपिक पे आप लोग का होमवर्क भी है। बट आप लोग का क्या चेंज है, क्वेश्चन चेंज है, उसको आप लोग को खुद से सॉल्व करके लिखना है। सबसे पहले आप लोग को क्या मेंशन करना है, सबसे पहले आप लोग को मेंशन करना है होमवर्क, डेट डालना है 18/8/2020, हेडिंग डालना है फिल इन द बॉक्सेस, इस तरीके से नीट एंड क्लीन वे में लिखना है, उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, सेकंड होमवर्क है आप लोग का बच्चों, राइट न्यूमरल्स फ्रॉम 501 to 530। 501 से लेकर 530 तक आप लोग को क्या लिखना है बच्चों, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मतलब क्या होता है, गिनती। समझ में आया, जितनी भी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाती है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और सीखिए और उसको याद रखिए, उससे क्या होगा, जब भी आप लोग का एग्जाम होगा तो आप लोग उसको भूलेंगे नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।